अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जो वीडियो आप लोग बहुत जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और आप लोगों ने जिसके लिए बहुत वेट भी किया है काफ़ी टाइम से, आई थिंक जब से मैंने चैनल बनाया तब से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अपनी लव स्टोरी बताएं, आप दोनों कैसे मिले, कहाँ मिले। लंबी कहानी है वैसे ये बहुत। हाँ, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे क्यों लेकिन शॉर्ट अभी फॉर्म में नहीं, बता, जब उनको सुनना है तो फिर हम बताएंगे ना। फिर सुनना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है वैसे। मैं बताता हूँ, बंदी जो है मुझे पटाने के लिए अपनी दोस्त के पटाने साथ। के लिए नहीं, देखो गलत बात नहीं करो, सच बात बताओ, मैं आपको बकरा बनाने आई थी। हाँ, ये मुझे बकरा बनाने आई थी और खुद बकरी बन गई। हकीकत बात है। मैं सच बताती हूँ, महमूद को मैं नहीं जानती थी, ये भी मुझे नहीं जानता था। एक शर्त लगी थी मेरी और मेरी फ्रेंड के दरमियान इसको बकरा बनाने के लिए। मेरी फ्रेंड को जो है इस पे क्रश था, ये उस टाइम पे फेमस था, टिकटॉकर था। मैं नहीं थी, मैं प्राइवेट लाइफ में ही थी, मैं सोशल मीडिया पे थी लेकिन मेरे अकाउंट्स वगैरह सब प्राइवेट थे। उस टाइम पे मैं पबजी बहुत खेलती थी, डांस वीडियोस बनाता था ये रोड पे इधर उधर, और उसको कोई काम नहीं था। वो व्हाट्सएप स्टेटस पे ना इसकी वीडियोस लगाती थी, डांस वीडियोस, जिम वीडियोस, शर्टलेस वीडियोस, तो मैं उसको चढ़ाती थी। मैंने कहा क्या है यार, पागल हो क्या करती हो? और कहती नहीं क्रश है ये, तो मैं इसको चढ़ाती थी, कहती चिकना है, शेंटू है ये तो। वो चिढ़ती थी, फिर मैंने इसको बोला क्या है तुम्हें, तो क्या करना है, पसंद है मुझे इससे बात करनी है, लेकिन ये रिप्लाई नहीं करता। इसके ये बहुत एटीट्यूड में होता था उस टाइम, बेचारी को रिप्लाई नहीं करता था। मैंने कहा तुम्हें नहीं कर रहा है ना रिप्लाई, देखना मुझे कैसे। तो उसने शर्ट लगा ली, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं आएगा हाथ में ये वो। तो फिर मैंने कहा अच्छा बेटा, मुझे शर्ट मेरे साथ नहीं, नहीं हो सकता ये। उस दिन के बाद से मैं इसको स्टॉक करने लगी कि आप लोग जज भी करोगे शायद मुझे इस बात पे, मत करना, क्योंकि मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। तो मैंने कहा इसका व्हाट्सएप नंबर, उन दोनों की फ्रेंडशिप करवा दूंगी, खुश हो जाएंगे बेचारे ना। स्टॉक करते करते इसके इंस्टा टिकटॉक सब देखती थी। एक दिन इंस्टाग्राम पे ये लाइव आया हुआ था, है ना, मैं गई स्टॉक करने, मैंने देखा लाइव आए हुए हैं साहब अपने कजन के साथ। उस लाइव में इन्होंने किसी को रिप्लाई किया कि मेरी पबजी आईडी ये है, तो मैं तो पबजी में उस वक्त बहुत ज्यादा इन थी। फिर मैंने कहा ठीक है, इसको इंस्टा पे नहीं करना है मैसेज, टिकटॉक पे भी नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग करते होंगे, इसको मैं ना पहले गेम में बजाती हूँ फिर अलग से बजाऊंगी। उन दिनों में चाह भी रहा था कि मेरे न्यू न्यू फ्रेंड्स आए हाँ, तो मैं वहां पर उनके साथ गेम खेलूं, और ये तो उन दिनों बहुत, में चाह भी रहा था, तो उस चीज का आपने फायदा उठाया। कोई मैं वैसे सबको ऐड नहीं करता और ये उस टाइम पे बहुत फ्लर्ट करता था लड़कियों के साथ, मैं क्या बताऊं, मैंने कभी था, किसी को, अभी भी करते हो नहीं करता नहीं हूं, मतलब करता था। मतलब इतना फ्लर्ट, इतना कि फिल्मों में भी कोई नहीं करता होगा, फिल्मी से भी गया गुजरा था ये जी। मैंने ना इसको रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट कर लिया, डीपी देख के कि लड़की की है तो इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने एक अपने स्क्वाड के साथ रूम लगाया, रूम में इस पे को मैंने ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी कि आ जाए रूम में। दो तीन बार भेजने के बाद ना ये रूम ऐड हो गया था। तो वहां जो मैंने इसको, मुझे पता ही नहीं था इसको गेम ही नहीं आती है, नहीं आता, सीखना ये चाह रहा बस था, उस टाइम पे लड़कियों से बात करने के लिए पबजी खेला बात था। करने के लिए नहीं, बात करने के लिए गेम खेलने के लिए आता था इसकी मैं। गेम इतनी कोई गंदी गेम थी। अगर हम देर रात तक तो खेलते रहते थे, बातें करते थे। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि इसको मैंने बताया नहीं था कि मैं बलोच हूँ। हमारी बात होती थी, मैं उर्दू में ही बात करती थी, तो मुझे कहो यकीन नहीं होता था कि चोरी मतलब जब चोरी उर्दू होंगी मेरे बात साथ। करती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि सामने बलोच बैठी हुई है सामने। हाँ, मैंने इसको बताया नहीं कि मैं बलोच हूँ, लेकिन मुझे पता था कि ये बलोच है। मैं और मेरी सिस्टर होती थी और ये इसका कजन, हम चार लोग खेलते थे ज्यादातर, तो ये दोनों बलोची में ना हमारी बुराइयां करते थे और हम सुन रहे होते थे। लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को सख्ती से, जो छोटी सिस्टर है मेरी, मैंने उसको सख्ती से मना किया था कि बताना नहीं है इनको कि हम बलोच हैं, और हमें समझ आ रही है। फिर एक दिन ऐसा हुआ, सिस्टर सिर्फ खेल रही थी और ये हम सब उसको ना स्पेक्टेट कर रहे थे, देख रहे थे। तो ये पीछे से मतलब बोले जा रहा है, उसका कजन बोले जा रहा है इसको खेलना नहीं आता, चे करने के मासी वगैरह वगैरह, मतलब बुराइयां कर रहे। और उसकी भी बर्दाश्त को आते हैं ना, उसकी भी बर्दाश्त खत्म हो गई। मतलब उसने फिर जवाब बलोची में ही दिया कि तुम लोग आके खेलो, फिर तुम लोग इतना बोल रहे हो, अगर हाँ, तुम लोगों को आता उस होता तो तुम लोग सबसे पहले नहीं मरते ये। फिर उन दोनों की, इन सब की मतलब उन तीनों की लड़ाई हो गई इस इन्होंने बात पे। बलोची में जवाब दिया तो हम चौंक गए कि भाई सामने ये बलोच लड़कियां बैठी हैं, कम से हम इनको मतलब बिना वजह के इधर उधर कहे जा रहे हैं बलोची में, हम ये समझ रहे थे ये कुछ नहीं समझ रहे, हालांकि ये सब समझ रहे इनको हैं। पता चला कि हम बलोच हैं, उसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि ये दिल के अच्छे हैं, उस तरह नहीं है जिस तरह मैंने सोचा था, ये अपना माइंड बना लिया था कि ये इस तरह प्ले बॉय वगैरह। तो फिर अच्छी दोस्ती होने के बाद इंस्टा पे हमारी बात होने लग गई थी। इन्होंने मुझे एक दफ़ा क्या बोला था कि मुझे कि अपनी इंस्टा पे, तस्वीर
मेरे सोशल अकाउंट्स इंस्टाग्राम सब प्राइवेट थे ना। मैंने कहा जब अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो आप एक काम करें, तस्वीर शेयर करें, अगर तस्वीर शेयर नहीं कर सकती तो आप अपना कोई, नहीं आपने ये नहीं कहा था तस्वीर शेयर करें, आपने कहा था मुझे इंस्टा पे ऐड करें। जी जी हाँ सॉरी, मैंने कहा इंस्टा पे ऐड कर देते हैं। हाँ तो आपने कहा मेरे इंस्टा पे मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो बैक दे दे, आपने फॉलो कर चुकी थी मुझे। हाँ मैं फॉलो कर चुकी थी क्योंकि इनका अकाउंट पब्लिक था, मेरा प्राइवेट था, इन्होंने फॉलो बैक नहीं दिया था, तो इस बात पे मैंने कहा फॉलो बैक देना, तो इसने कहा अच्छा सेलिब्रिटी से फॉलो बैक मांग रही है, आपने कहा था आप मत बोलना कि झूठ, मुझे याद नहीं है। और मजे की बात, अगर इसने कुछ भी मानने से इंकार किया ना, मेरे पास फर्स्ट हेलो से लेकर सारे मैसेजेस आज तक रखे हुए हैं। तो क्या करूं, मैंने डिलीट, मैं सबूत दिखाऊंगी इनको। खैर फिर जब इन्होंने मेरी पिक्चर देखी, मैं नहीं बोलूंगी अपनी तारीफ, अब खुद नहीं करूंगी, आप बोले इनकी जब पिक्चर देखी, सच बताऊं मतलब आप भी खुद देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह लगती है बलोच कहीं से, नहीं लगती है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम इनको देखा, मैंने यकीन नहीं किया, मैंने बोला शायद ये नहीं है, ये कोई फेक लड़की है जो हमें बना रही है। तो मैंने कहा आप मुझे काम करें, मुझे मेरा नाम लेके मेरी एक वीडियो, नहीं आप फिर भी कुछ मिस कर रहे हैं, आपने मेरी तारीफ की थी, बस ना हो क्या ना वो आप बताएं, अब बताएं ना बताएं, वो मैंने कहा था मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की बलोचों में नहीं देखी, खलास। वो मैं आज भी कहता हूँ ये फेंक रहा है। ये बार इसने मुझे ये बोला कि मेरी कंडीशन है, मैं तो मान ही नहीं सकता, ये तुम हो। मैंने कहा क्यों, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी और की पिक्चर, फेक पिक्चर उठा के वो भी प्राइवेट अकाउंट बनाऊं। फिर भी इसने कहा नहीं, एक वीडियो बनानी है तुम्हें जिसमें मेरा नाम पुकारो, जिसमें आप बोलते हुए दिखो मुझे और मेरा नाम लो, महमूद ना। मैंने कहा ये क्या बात है, फिर भी मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ, उसको यकीन, पता नहीं मैंने इसको क्यों यकीन दिलाया, लेकिन मैंने वो वीडियो बनाई है। इसने वीडियो जो फर्स्ट बनाई है और वही वीडियो जो थी, मतलब उसी में मैं, मतलब वो वाला जो शाहरुख खान देते ना ऐसा वाला, वो वाला हो गया था, मतलब फ्लैट हो गया था मैं उसके ऊपर। हाँ भाई माशाल्लाह यही है, और उसने जिस प्यार से मेरा नाम लिया ना, क्या कह रही थी, आई डोंट नो व्हाई कि मैं तुम्हारा, मैं तुम्हें नहीं, मैं बलोची में बात कर रही थी ना, लेकिन आप उर्दू में बोलो। आई डोंट नो व्हाई कि नहीं नहीं तुमने बिल्कुल इंग्लिश यही वर्ड्स यूज किए, मुझे याद है। आई डोंट नो व्हाई फिर मैंने बलोची स्टार्ट की थी, लेकिन आप उर्दू में इनको बताओ। आई डोंट नो व्हाई कि मैं तुम्हें क्यों यकीन दिला रही हूं कि इट्स मी बट सोया हेलो महमूद, ऐसे करके जिससे हाय भेजा था ना, ये आज तक मुझे इस बात पे चिढ़ाता है। और पता है आप लोगों को एक बात बताऊं, आई डोंट नो व्हाई और देश और इसलिए और वाइफ बनने के लिए ये आज तक मुझे चिढ़ाता है इस बात पे। और पता है इतना कोई क्या बोलूं मैं, हर दूसरे ये दिन निकाह वाले दिन, मेरे निकाह वाले दिन, इसको पता नहीं कहां से ये बात याद आ गई। निकाह होते ही जब ये आया था मेरे पास बैठा था, इसने आते ही मुझे, लोग वैसे जनरली क्या बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं निकाह मुबारक हो वाइफ, ठीक है इस तरह आई लव यू कुछ भी। ये आके मेरे पास बैठा है और मेरे कान में आके बोलता है I don't know why मैं तिरछी है कि दिलाएंगे that it's me by the way hello Harry हाँ इसने लेकिन बोलता hello Harry मुझे इतनी हंसी आई थी, मैंने कहा इसके काम चेक करो, यहाँ भी मुझे चढ़ा रहा है इस बात पे। और वो वीडियो आज तक है मेरे पास, मैंने हाइड करके रखा हुआ है आपसे, वरना आप मुझे पता है सबको दिखाओगे वो वीडियो। मैं आप अभी भी इससे मांगता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो मोबाइल तीन मोबाइल में चेंज कर चुका, तो वीडियो मेरे पास नहीं है, ये मुझे सेंड नहीं करती दोबारा, क्योंकि वो वीडियो मतलब वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी, कि मतलब उस वीडियो को लेके मैं फिदा हुआ था, मतलब मेरे लिए वो वीडियो बहुत बस। हाँ लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे ये फ्लैट हुए थे। हाँ, इनकी तरफ से रियल फीलिंग्स आने लगी थी, तो मेरे को लाइक करने लगा था, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने फ्रेंड्स की वजह से, मतलब यहाँ पर मुझे पटाने आए हुए थे, मेरे रिप्लाई लेने आई हुई थी, लेकिन ये उनको भी पता नहीं था कि एक डेढ़ महीने बाद ये खुद भी फ्लैट हो जाएंगे। नहीं फिर मैंने देखा कि ये वैसा लड़का नहीं है, ये दिल का अच्छा है। मैंने फिर ये देखा कि दिल का अच्छा है, ये सच में इसके मेरे लिए फीलिंग्स, मतलब उस टाइम पे मैं सच कहूँ तो मैं कोई किसी रिलेशन के लिए तैयार नहीं थी, रेडी नहीं थी, ठीक है। मैंने फिर अपना माइंड बना लिया था कि नहीं हमारी दोस्ती थी, बट मैंने इसका प्यार देखा अपने लिए, फिक्र देखी, और जिस तरह से मेरी इज्जत करता था लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों की, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। तो फिर मैंने जब देखा लड़का अच्छा है, प्यारा भी है, डांस भी करता है अच्छा, बॉडी भी बनाई हुई है, क्यूट सी स्माइल है, सो स्माइल भी क्यूट है, बच्चा भी प्यारा है, तो फिर मुझे भी पसंद आने लग गया था। और जब मुझे यकीन इस पे तब हुआ जब इसने अपनी मम्मा से मेरी बात करवाई थी कि मैं हरीम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स बिल्कुल रियल हैं, मैं रिश्ता लाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
फिर ना फिर मुझे एतबार होने लग गया था इस पे, लेकिन फिर भी मैंने इस पे बहुत सारी आजमाइशें दी थी इसको चेक करने के लिए, बहुत सारी और बहुत मुश्किल। एक एक महीना तक हम लोगों मतलब इन्होंने मतलब ये कहा था कि हाँ फ्रेंड्स बन जाते हैं, मैं तुम्हें ना नहीं करती लेकिन हाँ भी नहीं करती। तो ये कंटिन्यूसली मेरे साथ मतलब जैसे एक महीने तक हम लोग वीडियो कॉल में बात करते रहते थे। इन्होंने कभी मुझे चेहरा नहीं दिखाया था, ये दिखाती ही नहीं थी अपना चेहरा। क्यों वैसे मैं कैमरे पे हाथ रखती थी और मैं इसको अपना फेस नहीं दिखाती थी। वजह ये है कि इसको और ज्यादा लगे ये चीज कि मैं वो नहीं हूँ जिसने वीडियो भेजी है, जो इससे बात करी वो कोई और है। फिर मैं देखूँ इसका इंटरेस्ट खत्म होता है नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये थी हमारी लव स्टोरी, मुझे नहीं लगता इतनी कोई खास थी, लेकिन इतनी आम भी नहीं है। मेरे लिए तो बहुत खास है, आप लोगों के लिए मेरे लिए वही खास है कि आई डोंट नो व्हाई कि मैं तुम्हें क्यों यकीन दिला रही हूँ कि इट्स मी। हेलो हरीम, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो और आई होप इसके बाद आप मुझे नहीं बोलेंगे कि अपनी लव स्टोरी बताएं, क्योंकि मैंने ए टू जी सब बता दिया। बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि हमारी वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हेलो हरीम, बाय महमूद।